क्यों जा रहे हैं? बाबू की बेटी हुई है उसके छठियारी में हम लोग जा रहे हैं। इससे पहले एक महीना पहले हम लोग मोनू की बेटी की छठियारी में गए थे, आज हम लोग जा रहे हैं बाबू की बेटी की छठियारी में मौसी। ये त्रिकुटी पहाड़ है ये, हाँ त्रिकुटी पहाड़ है ये, हम लोग त्रिकुटी पहाड़ पार कर रहे हैं। ये हमारे मुंटुन उस्ताद आगे बैठे हुए हैं और मोहनपुर हटिया देखते हुए फंसते हुए निकलते निकलते हम लोग निकल चुके हैं, बौसी की ओर अग्रसर हो गए हैं। मोहनपुर हटिया हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, आज बुधवार है तो मोहनपुर हटिया लगा है। उसी बीच में हमको नई मम्मी दिखा दी हरा वाला बैंगन, जो कि हमको उससे सख्त नफरत है, लेकिन अभी फिलहाल तो आपको हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वो पार हो गया। तो हम सोचे क्यों ना हम वीडियो बना लें, हरा वाला बैंगन तो मिलेगा नहीं, लेकिन पता है कि हमको हरा वाला बैंगन से बहुत नफरत है। हमारे साथ एक नहीं होता है, ये पहले एक हमारे थे एकदम चुप रहने वाले, अब ये है हमारी चुप रहने वाली मोनी माई। मोनी माई से तुमसे शुरू ये कहानी हुई, लोग कहते हैं मैं तो दीवानी हुई। और हम लोग लगातार रील पर रील बना रहे, अभी चश्मा खुल चुका है, फिर चश्मा पहन के हम लोग फिर रील बनाएंगे। मेरा तो हमेशा चश्मा लगा रहता है, लेकिन मैडम चश्मा लगाती हैं फिर बनाती हैं रील, फिर हो जाता। अभी थोड़ा हम लोग को गर्मी लगने लगा, इसीलिए हम लोग रील अभी नहीं बनाएंगे, बौसी जाकर हम लोग रील बनाएंगे। चलिए चलते हैं बौसी की ओर। एक कहानी है, क्योंकि क्या हुआ ना कि मैंने एक मिस्ट्री है, वो मिस्ट्री पता नहीं बता सकते हैं, वो नहीं बताना चाहिए क्योंकि बहुत आदमी का नाम उससे जुड़ा हुआ है। अगर बता देंगे समझने वाले समझ जाएंगे कि हरा वाला बैंगन का क्या कहानी है। तो इसीलिए हम सोचे कि क्यों ना मिनी ब्लॉग बना लें और मिनी ब्लॉग में आपको बता दें कि हरा वाला बैंगन का एक मिस्ट्री है जो कि अभी तक नहीं सुलझा।